हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्मॉल केस का पोर्टफोलियो, क्या मेरा स्मॉल केस कितना परसेंट रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ पाए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं तेजी मंडी स्मॉल केस इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से, और दिसंबर 2022 से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये 2023 निकल गया और 2024 का अक्टूबर भी निकलने वाला है। तो इस दौरान में क्या पोर्टफोलियो का रिटर्न बना, ये सब चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये सबसे पहले मैंने स्मॉल केस की वेबसाइट खोल ली है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, निफ्टी का जो लेवल दिखा रखा है 24,339 का, अभी क्या है कि यहाँ पे नेटवर्थ यहाँ पे शो कर रहा है 2,58,000, जो कि अभी मैंने पोर्टफोलियो जो भी बना रखा है उसकी जो नेटवर्थ है 2.58 लाख है, और जिसपे मुझे 73,82,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी समथिंग अराउंड 74,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं आपको इसको सी इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल केस म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स एंड ETFs। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने स्टॉक्स को। तो मैंने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं, 21 स्टॉक्स ले रखे हैं, जिसमें मुझे 16.33% का लॉस हो रहा है। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि डायरेक्टली मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न तो नहीं बना, बट ऊपर से लॉस जरूर हो रहा है। जैसे कि मैंने कुछ NDTV लिया, जिसमें मुझे 50% का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। UPL है, ऑटोमेटिक जूजल है, राजेस एक्सपो है, कैमलिन फाइन है, पेटीएम में मुझे थोड़ा 54% का प्रॉफिट भी हुआ है। तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे लॉस ज़्यादा हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है। तो 16.33% का लॉस हुआ है ओवरऑल, जो मैंने सेल्फ स्टॉक पिकिंग की है। वहीं मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स भी ले रखे हैं, जिसमें मुझे 6.99% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.99% इज द ओवरऑल प्रॉफिट। आई हैव 6 म्यूचुअल फंड्स, आई हैव इन्वेस्टेड इन ओनली स्मॉल कैप फंड्स, राइट। आई हैव SBI स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, एंड कैनरा रॉब स्मॉल कैप फंड। तो ये सारे मैंने स्मॉल कैप ले रखे हैं, तो इसमें मुझे 7% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। स्टॉक्स में मुझे 16% का लॉस हो रहा है। वहीं पे मैं स्मॉल केस की बात करूँ, तो स्मॉल केस में मेरे पास है तेजी मंडी। तेजी मंडी में मुझे अभी तक का जो प्रॉफिट जो बन रहा है वो है 75.10%, जो कि 1,59,140 उसकी वैल्यू होती है, और ये टोटल तेजी मंडी का पोर्टफोलियो है। और जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ ये 75.10 कैसे कैसे बना है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको जरा से पहले मैं हाइड कर लूँ मार्कर को। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तेजी मंडी पे, तो यहाँ पे डिटेल्स आ गई, इसको मैं शो डिटेल पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट जो है मेरा 1,33,171 है, राइट। और करंट वैल्यू है 1,59,140, यानी कि जो करंट रिटर्न बना वो है 25,968 का, यानी कि 19.50% का रिटर्न अभी का है फिलहाल। यानी 1,33,000 पे 1,59,000 वैल्यू हो गई, यानी कि 25,968 यानी 26,000 का ओवरऑल प्रॉफिट है अभी, जो कि करंट रिटर्न है 19.50। ये वो रिटर्न है रियलाइज रिटर्न, जो कि मैंने ऑलरेडी रिटर्न बुक कर लिया पिछले 1.5-2 साल से, जब से मैंने इस तेजी मंडी ऐप को सब्सक्राइब किया है। तो समय समय पे ये रीबैलेंस अपडेट देते हैं, और उस रीबैलेंस अपडेट में आपको ये प्रॉफिट बुकिंग भी करवाते हैं, और कुछ लॉस मेकिंग स्टॉक्स होते हैं उसको हटवाते भी हैं, और कुछ ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स होते हैं जो कि मार्केट में उनका मोमेंटम अच्छा है उनको प्लस करवाते हैं, आपके स्टॉक्स में ऐड करवाते हैं। तो वहाँ पे जब भी रीबैलेंस अपडेट आई, तो उस रीबैलेंस अपडेट को अपडेट करने में मुझे 49,661 का प्रॉफिट हुआ है, एंड 2,476 इज द डिविडेंड अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टॉक्स। तो ओवरऑल अगर हम 25,968, 49,661 और 2,476 तीनों को प्लस कर दें तो 78,107 होता है, यानी कि इसको प्लस कर देते तो 75.10% का प्रॉफिट हुआ है मुझे लगभग पिछले 1.5-2 साल में। और SIRR की बात की जाए तो 49.77% है। हालांकि पिछले 1 महीने के अंतराल में मार्केट काफ़ी क्रैश हुई है, और ये जो मेरा प्रॉफिट जो अभी 75% टोटल रिटर्न दिख रहा है, ये 75 नहीं था, ये 90% था, बट मार्केट अभी बहुत ज़्यादा क्रैश हुई है। और इसमें जो स्टॉक्स हैं ज़्यादातर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों तरीके के स्टॉक्स हैं मेरे पास। तेजी मंडी फ्लैगशिप प्लान है,
बेसिकली तेजी मंडी दो तरह के प्लान निकालता है, तेजी मंडी फ्लैगशिप एंड तेजी मंडी मल्टीप्लायर। सो आई हैव इन्वेस्टेड इन तेजी मंडी फ्लैगशिप। तेजी मंडी फ्लैगशिप में क्या होता है कि आपके जो प्लान होता है उसमें स्मॉल कैप, मीडियम कैप और लार्ज कैप तीनों तरह की कंपनियों में आपका पैसा लगवाया जाता है। तो ये बात होती है। और जो दूसरा जो प्लान है इनका मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर में इसमें स्मॉल कैप में ही ज़्यादातर आपका निवेश होता है। तो इसलिए जो अगर मैं बताऊँ तेजी मंडी फ्लैगशिप की फ़ीस सस्ती है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लायर। तेजी मंडी फ्लैगशिप की फ़ीस केवल 99 रुपीज़ पर मंथ है, फ्लैगशिप की 299 रुपये पर मंथ है। तो पर्सनली मेरे पास 99 वाला प्लान है जो कि फ्लैगशिप वाला प्लान है, और पिछले 1-2 साल में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, 75%। तो अगर आप भी न्यू कमर है, आपको फ्रेशर है, आपको मालूम नहीं चल रहा किस शेयर में इन्वेस्ट करें, किस शेयर में इन्वेस्ट ना करें जिससे कि आपको लॉस ना हो मार्केट में, तो आप डेफिनेटली इस प्लान को ट्राई आउट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये म्यूचुअल फंड से के कंपेरेटिवली ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना के दे रहा है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जो तेजी मंडी फ्लैगशिप की, तो ऑन एन एवरेज 35-40% CAGR रिटर्न बना के दे रहा है, तो जो कि काफ़ी शानदार है। तो इसलिए अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आप मेरे दिए गए लिंक से अगर निवेश करेंगे तो आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जहाँ से आप साइनअप कर सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं कि भाई कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तेजी मंडी बेसिकली ऐप ही है। तेजी मंडी का आप डायरेक्टली स्मॉल केस की वेबसाइट से भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। अगर आपको प्लान को सब्सक्राइब करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्कवर पे जाएंगे, स्मॉल कैश की वेबसाइट में लॉगिन करेंगे सबसे पहले, वहाँ पे डिस्कवर के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सर्च मारेंगे तेजी मंडी। तो तेजी मंडी जैसे ही आपने सर्च किया तो दो तरह के प्लान आपके सामने आ गए, तेजी मंडी फ्लैगशिप एंड तेजी मंडी मल्टीप्लायर। फ्लैगशिप में मैंने बताया आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनी आती हैं, और एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि 2-3 साल के लिए पोर्टफोलियो बना के रखता है। तो कोशिश करिए जब भी आप प्लान लें तो एक लंबे समय के लिए आप उसमें निवेशित रहें। मल्टीप्लायर में ज़्यादातर आपका जो पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप कंपनी में ही लगेगा। अगर दोनों को खोल के देख लिया जाए कि भैया क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, अगर फ्लैगशिप की बात की जाए तो अगर 100 रुपये की वैल्यू देखी जाए, अगर 3 साल पहले आपने लगाया है, तो इक्विटी मल्टी कैप में इसकी वैल्यू होती है 150.13, वहीं पे तेजी मंडी फ्लैगशिप में 216.44 हो जाती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 150 से 216 का जो अंतर है, कम से कम 766 रुपीज़ का अंतर है 100 रुपये की वैल्यू, यानी तो काफ़ी अंतर है। अगर मैक्सिमम चार्ट की बात की जाए तो मैक्सिमम चार्ट में 100 रुपये अगर आपने अगस्त 24, 2020 को लगाए होते तो 100 रुपये की वैल्यू 410 होती यहाँ पे, और वहीं इक्विटी मल्टी कैप में 238 रुपये होती। तो आप देख सकते कितना डिफरेंस आ रहा है। इस स्मॉल कैप में बेसिकली जो स्टॉक्स होते हैं वो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, जो कि आप निफ्टी 500 से स्टॉक पिक होते हैं। फोकस स्टॉक पिकिंग होती है, डिसिप्लिन सेलिंग होती है। तो बेसिकली सेलिंग रिबैलेंस होने का एक वजह होती है, यानी कंपनी ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसे उनका फंडामेंटल्स चेंज हो जा रहे हैं, या टू मच नेगेटिव अराउंड द कंपनी है, और ऐसे एक्सट्रीम मैक्रोइकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से किसी स्टॉक्स को हटाना पड़ जाए तो वो रिबैलेंस अपडेट में हटाया जाता है। बात की जाए स्टॉक्स एंड वेटेज की तेजी मंडी फ्लैगशिप में, तो बेसिकली इसमें 19 स्टॉक्स होते हैं तेजी मंडी फ्लैगशिप में, और रीबैलेंस जो होती है नीड बेसिस पर होती है। लार्ज कैप में 20%, मिड कैप में 38% एंड स्मॉल कैप में 40% का सेगमेंट है। बात की जाए वहीं पे दूसरा जो प्लान है इनका मल्टीप्लायर वाला प्लान है उसके बारे में, तो जो मल्टीप्लायर प्लान है इसमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप में निवेश किया जाता है। अगर हम इसकी लाइव परफॉर्मेंस देखी जाए मैक्सिमम पैटर्न पे, तो 100 रुपये की वैल्यू 356 रुपये होती मल्टीप्लायर में, वहीं पे इक्विटी स्मॉल कैप में केवल 232 रुपये ही वैल्यू बनेगी। अगर स्टॉक इन वेटेज की बात की जाए तो स्टॉक इन वेटेज इसका 15 स्टॉक्स हैं, और रिबैलेंस होती है नीड बेसिस पे। अक्टूबर 16 को लास्ट रिबैलेंस अपडेट हुआ था। इसमें लार्ज कैप में 6%, मिड कैप में 7% एंड स्मॉल कैप में 87% का सेगमेंट है। और 3A का CAGR रिटर्न अगर मैं बताऊँ तो 35.53% है तेजी मंडी मल्टीप्लायर का, और वहीं पे अगर तेजी मंडी फ्लैगशिप बात की जाए तो 29.17 इज द रिटर्न ऑफ 3 ईयर CAGR, एंड मल्टीप्लायर का है 25.53। हालांकि तेजी मंडी फ्लैगशिप ज़्यादा अच्छा रिटर्न ना दे रहा है जबकि वो सस्ता प्लान भी है। बात की जाए कि भाई ये कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे सर्च मारेंगे और
इसमें जो भी प्लान की डिटेल होंगी उस प्लान की डिटेल व्यू करेंगे। उस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस होती है, उसको सब्सक्रिप्शन फीस को पे ऑफ करना होता है, यानी 99 रुपीज़ पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे तो 1100 यानी कि समथिंग अराउंड 1200 के आसपास पहुंच जाएगा आपका वैल्यू, 1188 पहुंच जाएगी। वो आपको पे ऑफ करेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन होने के बाद जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है जो स्टॉक्स में, वो आपको निवेश करनी पड़ेगी। मतलब एक 19 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो है, जैसे तेजी मंडी फ्लैगशिप की अगर मैं बात करूँ तो 19 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है जिसकी वैल्यू है 24,928। इतना आपको मिनिमम निवेश करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन फीस पे करने के बाद, तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। और बात की जाए कि इससे कौन कौन से ब्रोकर को आप लिंक कर सकते हैं, आपके पास ज़ीरोधा है, 5paisa, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो, कोटक सिक्योरिटी, एक्सिस डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, IIFL सिक्योरिटी, एलिस ब्लू, एडलवाइस, ट्रस्ट क्लाइंट, ICICI डायरेक्ट, धन, फंड बाजार, मोतीलाल ओसवाल, ये सभी ब्रोकर हाउस इससे लिंक किए जा सकते हैं। और कुछ ब्रोकर को लिंक करने के लिए फर्स्ट टाइम जो फीस होती है वो चार्ज की जाती है, वो जो कि 100 रुपये प्लस 18% GST, यानी 118 रुपये चार्ज किया जाता है। मेरे पास पर्सनली ज़ीरोधा है तो मैंने जब इसे लिंक किया था तो वन टाइम इनिशियल फीस जो चार्ज की थी 118 रुपये की गई थी, जो कि ओनली वन टाइम फीस है। हाँ, मैं आपको एक ट्रिक जरूर बताऊँगा इसमें। आप कोशिश ये करिए कि अगर आपको मान लीजिए आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करना था वो कर लिया, आपने ये 25,000 का निवेश कर लिया, इसमें पहले आपने अपने सब्सक्रिप्शन फीस पे कर दी, उसके बाद आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर दी 25,000 का, फिर उसके बाद आपको लगता है कि भाई मुझे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, मान लो 50,000 आपको निवेश करना है और, तो आपने सोचा कि मैं 10,000 करके 5 बार लगाऊंगा पैसा, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप 50,000 इकट्ठा एक बार लगाएं, टुकड़ों में ना लगाएं। क्यों ना लगाएं, उसकी वजह यह है कि अगर आप 10,000 आप 5 बार लगाएंगे तो 10 बार की फीस एक्स्ट्रा चार्ज होता है। जब भी आप मनी डिपॉजिट करते हैं तेजी मनी फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म से, तो जो इनकी मैक्सिमम फीस है डिपॉजिट पे वो है 100 रुपीज़ प्लस GST। तो अगर जब भी आप 10,000 से ऊपर का अमाउंट मतलब निवेश करते हैं अपनी मर्जी से, यानी कि रीबैलेंस अपडेट में अगर आता है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, बट अगर अपनी मर्जी से आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं 10,000 से ऊपर, तो 100 रुपीज़ प्लस GST चार्ज किया जाता है। मान लीजिए आपने 10,000 को 5 बार लगाया तो आपके 100 रुपये प्लस 18% GST, यानी 118 रुपये आपके 5 बार कटेंगे। बट वहीं अगर आपने 50,000 इकट्ठा एक बार लगा दिया तो वो 118 रुपये एक बार ही केवल लगेंगे। तो ये बेनिफिट है कि निवेश आप जब भी करें तो टुकड़ों में ना करके जब भी मार्केट क्रैश हो तो इकट्ठा एक बार में अमाउंट लगा दें, ताकि आपकी जो फीस जो कट रही है वो आपकी नहीं कटेगी बार बार। और बात की जाए कि तेजी मंडी की तीन स्टॉक कैसे चुनती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिक्विड स्टॉक्स, फोकस स्टॉकिंग एंड टेलर मेड पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी कि जैसे एक आपकी रिस्क लेने की क्षमता है उस हिसाब से एक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। और निवेश करने के लिए आप तेजी मंडी फ्लैगशिप का मतलब तेजी मंडी का एक एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप स्मॉल कैप के ऐप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा, यानी कि जो 300 रुपये कैशबैक मिलेगा अगर आपने मेरे दिए गए लिंक से सब्सक्राइब किया तो। बात की जाए इसके दो तरह के प्लान है, मैंने आपको बता दिया फ्लैगशिप एंड मल्टीप्लायर, इनके दो तरह के प्लान, उनकी अलग अलग फीस है, एक की फीस है 999, दूसरे की फीस है 299। और रीबैलेंस क्या होती है, रीबैलेंस बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स को हटाया जाता है और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ऐड किया जाता है, और इसी दौरान आपका प्रॉफिट बुकिंग भी किया जाता है। आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो आपको समय समय पर सलाह देते हैं, और ये जो सलाह होती है ये आपको आपके इस एप्लीकेशन में भी आ जाएगी, स्मॉल कैप के एप्लीकेशन में, तेजी मंडी आप यूज़ करें तो तेजी मंडी ऐप पर भी आ जाएगी, साथ ही साथ आपके ईमेल पे भी रिबैलेंस की अपडेट आती है कि आप अपने रिबैलेंस को जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका स्टॉक्स अपडेटेड रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं तेजी मंडी को उपयोग करने का, ये बेनिफिट है। और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो नेगेटिव पॉइंट मुझे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं पिछले 2 साल के अंतराल में, तो लोग कुछ कहते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा इनकमिंग कॉल्स आती है, एक्स्ट्रा इनकमिंग कॉल्स, बट मैंने पर्सनली जो यूज़ किया है तो मुझे कोई इनकमिंग कॉल फालतू नहीं की गई कंपनी के द्वारा, और काफ़ी अच्छा रिव्यू है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज़ ऑल्सो गुड,
बट स्मॉल केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मॉल केस विच हैव वेरी लो फीस देन इन दैट केस तेजी मंडी इज द बेस्ट प्लान विच यू कैन ऑप्ट फॉर एंड इन तेजी मंडी ऑल्सो देर आर मल्टीपल प्लान्स यू कैन गो विद तेजी मंडी फ्लैगशिप प्लान दैट इज अ मिनिमम दैट हैव द मिनिमम फीस राइट नाउ राइट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी थिंग रिगार्डिंग द प्लान रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल And thanks for watching this video and please subscribe our YouTube channel for more videos like this. Thank you very much and have a great day.